हेलो दोस्तों नमस्कार मैं विरद आप लोगों का स्वागत करता हूं सिलेक्शन मेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और दोस्तों जो लोग यहां पर बी की ए, मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे और जिन लोगों को मेंस का एग्जामिनेशन देना है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है यहां पर यूपीएससी uh, ने uh, एग्ज़ाम कैलेंडर में अपने ऑलरेडी बताया हुआ था कि बी ई जो है वो आपका छः uh, दिसंबर को होना है तो इसके इससे इस रिगार्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे कर्सर मेरा मूव कर रहा है यहाँ पर एक नोटिस आया हुआ है इस नोटिस को हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं तो ये नोटिस डाउनलोड हो जाता है यहाँ पर और ये नोटिस है इसमें लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से आपको शायद यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये नोटिस और इसमें लिखा हुआ है खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2019 के संदर्भ में विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा 6 दिसंबर 2020 रविवार को दो सत्रों में होनी है तो आप सभी लोगों को मालूम है कि 6 दिसंबर को ये पेपर होना था कई लोगों को ये डाउट था कि क्या सर ये जो कोरोना की स्थिति है उसके के कारण क्या इसको बढ़ाया जा सकता है तो यहाँ पर डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं कि कोई डेट नहीं बढ़ी है 6 दिसंबर को ही इसका एग्ज़ाम होना तय हुआ है इसके लिए तीन जनपद जो है आप लोगों ने भरे होंगे ऑलरेडी प्रयागराज लखनऊ और गाज़ियाबाद तो जल्दी से जल्दी आप लोग उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ गया है विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी परीक्षा कार्यक्रम इस तरीके से है कि छः दिसंबर रविवार को पहला पेपर आपका सुबह साढ़े नौ से साढ़े बारह तक होगा और दूसरा पेपर जो है वो दो बजे से लेकर के पाँच तक होगा पहले वाले पेपर में सिर्फ जी आपसे पूछा जाएगा और दूसरे वाले पेपर में सामान्य हिंदी और निबंध लेखन वाले जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे यहाँ पर ठीक है सो अब इस पेपर को आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं आयोग की वेबसाइट से जा करके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे डाउनलोड होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ आप यहाँ पर जाइएगा एक्टिविटी डैशबोर्ड में और इसमें पहला ही लिखा हुआ है फर्स्ट लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर एडवर्टाइज नंबर दिस जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन होगी और इस विंडो में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है डेट ऑफ बर्थ डालनी है मंथ डालना है और ईयर डालना है ठीक है मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट करके आपको ये को कैप्चा uh, कोड जो है इसको फिल uh, करके आप यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कर करेंगे तो आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड आ जाएगा अगर कुछ लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ से नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी और वापस जा करके आप क्या कर सकते हैं अपना नाम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर फ़ाइंड कर सकते हैं और फाइंड करने के बाद यहाँ पर वापस गो टू होम में जाएँ और फिर से एप्लीकेशन क्या नाम है डाउनलोड एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में जाइए और अपनी जो डिटेल्स हैं उसको फिल करके यहाँ पर कर सकते हैं और आप यहाँ से ही अपने इस एप्लीकेशन स्टेटस को भी देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो क्या है ठीक है तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है फटाफट से इस डाउनलोड इसको डाउनलोड कर लीजिए किसी प्रकार की अगर किसी को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें एट नाइन फाइव थ्री फ़ाइव एट नाइन फाइव थ्री फाइव नाइन फाइव सिक्स एट सेवन इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करने में किसी को दिक्कत आ रही हो तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है बाकी आप सभी लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर बी ई ओ मेन्स के एग्ज़ाम में हैपियर होने जा रहे हैं सिलेक्शन मेंटर की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं अभी आपके पास में लगभग दस दिन का समय शेष है आप इस दस दिन में दो गुनी तीन गुनी मेहनत कर सकते हैं और अभी भी इस दस दिन को बीस तीस दिन में कन्वर्ट करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं डोंट लूज़ योर पेशेंस प्लीज़ धैर्य बनाए रखिए अच्छे से तैयारी कर करते रहिए पढ़ते रहिए और uh, जो करंट की न्यूज़ हैं उसको भी ध्यान में ज़रूर रख के आप अपनी पढ़ाई कर कर, कर सकते हैं ठीक है किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं या इस मैसेज में नीचे की ओर आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख करके की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बताइएगा तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा इसी इन्हीं आशाओं के साथ कि आप सब लोगों का भविष्य उज्जवल हो आप सभी लोग में से जिन लोगों ने अच्छे से मेहनत करी है सभी लोगों का सलेक्शन हो इस आशा के साथ आ, आप लोगों से इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद आपका समय शुभ हो